नवी मुंबई के सेंट्रल पार्क में हाल ही में बाबा रामदेव के योग शिविर का आयोजन किया गया। मैं उमेश मालवीय इस शिविर की कुछ झलकियां UCMV चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवन्
छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक दिन ली। महापुरुषों का एक दिन एक जिंदगी के बराबर होता है। तो तुम्हारा भी जो है, तुम भी तो महान ही पुरुष हो, अपने आप को पतित मानते हो। तुम महान ना होते तो तुम इंसान बनते ही नहीं। गधा बनते, कुत्ता बनते, घोड़ा बनते, कीड़े मकोड़े बनते, मक्खी बनते, मच्छर बनते। तुम महान ना होते तो इंसान बनते ही नहीं। यही सच है, यही सच है। मैं वैसे ही जीता कि एक दिन मिल जाएगा क्या? और भी इतनी भीड़ है, ढूंढ रहे बीपी, बीपी की गोली बंद हो जाती, थायराइड क्यों ना जाता? थायराइड की जिनकी गोलियां बंद हो गई हो, बिल्कुल थायराइड आपको कब से था बीपी माँ? अनुलोम विलोम कर लो, ये बीपी ठीक करता है। नमस्कार सर, मेरे पापा को बीपी था, हार्ट प्रॉब्लम थी, तो मुझे बहुत तो नहीं था लेकिन हाँ फिर भी था, खाई शुरू हो गया। हाँ तो मैंने फिर प्राणायाम बहुत रेगुलर करना शुरू कर दिया, पहले रेगुलर नहीं करती थी, बहुत ही रेगुलर। मेरे हस्बैंड भी बहुत मुझसे भी ज़्यादा रेगुलर है, उनको हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं, एक दिन भी छोड़ने नहीं देते मुझे। मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मेरा जो मन बहुत अशांत रहता था वो भी बहुत शांत। नाम क्या है? सुमन मालवीय। सुमन का जीवन सुमन पुष्ट जैसा हो गया है, अब उसमें सारे कांटे दीवारों की छा गए। अब सुमन तो जेनेटिक भी नहीं, जीन थोड़ा ठीक होता है, समुद्र रूपांतर, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत खुश है, पूरा परिवार जो करता है। अनुलोम विलोम कर। थायराइड की प्रॉब्लम कितनों की अच्छी रियल रूप से, जिनकी थायराइड की प्रॉब्लम अच्छी है, खड़े चले आगे आगे आगे। छोटी उम्र में बेटी को थायराइड की प्रॉब्लम हो, यहाँ चल बहुत प्रॉब्लम हो, तीसरी रिपोर्ट किया सर, ये तो सर माँ बहुत खुश है। और इनको कैंसर था 20 साल से, कैंसर ठीक हो गया इनका, इनको पैरालिसिस था, पैरालिसिस ठीक हो गया, बीपी था, बीपी ठीक हो गया। तो सुबह 4 बजे से आके आपके दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे और रोते रोते जा रहे थे कि मेरे को दर्शन करा दो, मैं बाबा का दर्शन करना चाहती हूँ। आपकी माँ और आप एकदम ठीक है? नहीं प्रभु जी, अच्छा माता जी बाहर से आई है, कहाँ से आई है? यहाँ पर खारघर में रहती है, खारघर में रहती है। माँ को बहुत पुराना कैंसर था, पैरालिसिस हो गया था 20 साल से कैंसर था, जो कैंसर ठीक हो गया, बीपी ठीक हो गया, पैरालिसिस ठीक हो गया, जो चल के आई है अभी यहाँ पर। जी कितनी उम्र है माँ आपकी? 74 साल। 74 साल, ये इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? महाराज जी सिर्फ दर्शन करने के लिए आई है आपके, ये मैं यहाँ पर दर्शन करके जाऊंगी, इन्होंने मेरे को जीवन दान दे दिया है। माँ बहुत खुश है, ऐसे न जाने कितने लोगों, करोड़ों लोगों की जिंदगी में खुशियां। 13 साल पहले मेरा दोनों किडनी फेलियर, मैं 19 डेज कोमा में जसलोक हॉस्पिटल में था। नाम क्या है आपका? डॉक्टर विलास सवाई, मैं अभी आपका योगा टीचर हूँ, रेगुलर कक्षा भी चालू है पनवेल में। डॉक्टर विलास सवाई। विलास सवाई, देखो किडनी दोनों फेल हो गया। दोनों किडनी फेल था, डायलिसिस करता था, डिस्चार्ज होने के बाद में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था, उसके बाद में मैंने 3 इलाज मेरे लाइफ में किया, एक एक्यूपंचर, एक मेडिटेशन जो हम प्राणा ध्यान बोलते हैं, प्लस ये हमारा योगा। अभी रेगुलर कक्षा चालू है और सबसे आपने जो जब स्फूर्ति जब पहली बार मुझे लिया मिली थी यवतमाल में, मैंने अटेंड किया था, तो उसमें आपने ये बोला था कि योग से आदमी का चरित्र बदल जाता है और मेरा चरित्र रियली बदल गया। मैंने हमारे न्यू बॉम्बे में लाइफ केयर एसोसिएशन नाम का एक एसोसिएशन चालू किया है टू प्रोवाइड अ गारंटेड हेल्प इन इमरजेंसी। कोई भी आज रास्ते में किसी को मौत होती है, मर जाता है, घर में किसी का डेथ होता है, सुसाइड करता है, तो बॉम्बे में कोई भी किसी को हाथ नहीं लगाता। आज मेरे पास 300 मेंबर है, सेक्टर 6 में, सेक्टर 3, सेक्टर 10 में 3 जगह ब्रांचेस है, और कोई भी तरह की इमरजेंसी कितने भी बजे होने दो, ये योग टीचर को अगर कोई बुलाता है तो मेरे साथ 300 हाथ अभी जुड़ गए हैं, ये मैं क्लेम करता हूँ। मेडिटेशन योगा से ही ये चरित्र। और अब किडनी ठीक हो गई पूरी?
अभी दोनों किडनी ठीक है, एकदम ओके, किडनी लेवल इज ऑल्सो कॉमन, और अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए मेरा नाम डॉक्टर सवाई। कई पेशेंट को मैं अभी ट्रीट करता हूँ। जो डायलिसिस पर चला गया पेशेंट वो वापस किडनी ठीक हो जाए और तो ऐसे बड़ा आयोजन हो रहा है, कोई छोटा नहीं है। कितने लोग सम्मिलित जाने से पहले और अभी हम पत्रकार भाइयों से बात करेंगे। आप कार्यकर्ताओं के रूप में अपनी सेवा देने के लिए भाई तरफ नाम लिखाएंगे, इसके बाद प्रस्थान करेंगे, फिर वे साहित्य और ये सेवा यहाँ भाई तरफ चल रही है, यहाँ से जो किसी भी साहित्य जो आयुर्वेद की सेवा है उसका भी लाभ ले रहे हैं। सबको बहुत बहुत दरअसल 27 तारीख को पहले दिल्ली से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र प्रेम का पत्र देने वाला था, परंतु उस दिन पूज्य साईं बाबा जी का समाधि का कार्यक्रम हो गया, इसलिए हमने उसको स्थगित कर दिया था। और ये भी संयोग है कि घोटालों में भी जहाँ पर आदर्श घोटाले हुए, जहाँ पर माने एक नया वर्ड आ गया घोटालों में भी आदर्श घोटाला, और खाली वो एक आदर्श घोटाला नहीं, उसके नीचे तो कितने आदर्श ऊपर नीचे दबे पड़े हैं, ये तो अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है, क्योंकि यहाँ जिधर भी छेड़ को देखो वहीं से कुछ ना कुछ एक आदर्श निकलेगा। तो ये 4 तारीख को एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का वैधानिक रूप से विधिवत रूप से उसकी शुरुआत हो जाएगी और हम इस जंग में जीतेंगे। महाराज ये आंदोलन के विरोध में जो सुर उठ रहे हैं, खास करके भ्रष्ट जो लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए, ये कहता है कि आप दवाई बेचो, ये कहाँ आ रहा है राजनीति में, कहाँ आ रहा है? दूसरा बोलता है अपना हिसाब तो चेक कराओ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा हार्डवेयर, मेरा सॉफ्टवेयर, हमारा सारा संस्थान 1 करोड़ से लेकर के करोड़ तक सब साफ है, और हमने तो सब रिपोर्ट की हुई है गवर्नमेंट को, अब कोई रिपोर्ट देखे ही नहीं और बोले चेकअप कराओ। ये तो उसकी मूर्खता है। लोग कहते हैं कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए बाबा रामदेव को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, यही कारण है कि देश में ज्यादातर राजनीतिक भ्रष्ट हो रहे हैं। लोकप्रियता पाने के लिए पैसा, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, मैंने लोकप्रियता पाने के लिए कोई काम किया ही नहीं, मैंने तो देश के लोगों को बचाने के लिए और देश के लिए को बचाने के लिए काम किया, हर काम में लोगों ने आगे सहयोग किया। तो जब आप कुछ काम, जब सच्चाई से आप कोई काम करते हैं तो देश आपके साथ खड़ा होता है, उसमें पैसा कभी कोई बाधा नहीं बनता है। ये अलग बात है कि भ्रष्टाचारियों को इसलिए भी पेट में दर्द होता है कि हम तो बेईमानी कर करके मर गए, और ये बाबा सच्चाई से राज चल रहा है और इसको कोई बाधा नहीं आ रही है, सारा देश इसके साथ खड़ा हो रहा है। महाराज जी प्रणाम के बारे में एक सवाल पूछा, प्रणाम के बारे में आपका कि भस्त्रिका से लेके जो भ्रामरी तक जो आपने एक पैकेज बनाया प्रणायाम का, ये बहुत उपयोगी है, सबको फायदा मैंने देखा है, अपने आप पर भी देखा है, लेकिन खास करके जब जिस समय आप टीवी पर या मंच पर आप प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कुछ डिफिकल्ट है, जैसे कि नौली है, मयूरासन है, उनके बारे में लोगों को देख के भ्रांति होती है लोगों की, ये बड़ा मुश्किल काम है। ना मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं, वो प्रदर्शन के लिए, वो प्रतियोगिता के लिए है, वो एक कलात्मक प्रदर्शन भी हो जाता है, इसलिए उसको नित्य योगाभ्यास में ना जोड़ सर। एक चैनल को शुभकामना।